नमस्कार, स्वागत है आपका। तो गर्मी आ गई है और गर्मियों में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थिति कुछ इस प्रकार है अभी कि हम बाहर जूस पीने नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम घर पे ही गन्ने का जूस बनाएं और वह भी बिना गन्ने के। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को अच्छे से पकाया जाता है और उससे गुड़ तैयार किया जाता है, तो आज हम उसी गुड़ से गन्ने का जूस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ गुड़ का एक टुकड़ा लिया है, या अदरक का एक छोटा टुकड़ा है, नींबू चाहिए हमें और कुछ ताजे पुदीने की पत्तियाँ चाहिए और काला नमक। आयुर्वेद के अनुसार यदि खाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का खा लिया जाए तो इससे हम बहुत से बीमारियों से बच जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हमें गुड़ को पतले टुकड़ों में काटना है, तो इस तरह से हम इसे बारीक बारीक इसके टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा गुड़ बारीक कर लिया और ये आधा कप के लगभग है। तो अब इस गुड़ को बर्तन में निकाल कर और इसमें एक गिलास पानी डालना है। पानी डालकर और इसे अच्छे से हम हिला देते हैं और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से इसमें घुल जाए। अब हम मिक्सर के जार में ये गुड़ का पानी डाल देते हैं। तो कुछ गुड़ हमारा रह गया है वह भी इसमें बारीक हो जाएगा और इसी के साथ हम इसमें ताजी पुदीने की पत्तियां डालेंगे और अदरक का टुकड़ा डालेंगे। यदि आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और नींबू का रस डालेंगे इसमें। नींबू के रस से और पुदीने से इसका स्वाद एकदम बाजार में मिलने वाले गन्ने के रस की तरह ही आता है। अब इसमें डालेंगे काला नमक, तो ये स्वादानुसार डाल दें आप अपने। मैं आधा चम्मच के लगभग डाल रही हूँ। अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने अभी इसे थोड़ा सा ही चलाया है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स डालेंगे, तो आइस क्यूब्स डालने से इसमें झाग आता है और ये अच्छा ठंडा भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ 5-6 बर्फ के टुकड़े डाले हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से और चला लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें झाग आ गया है। तो अब हम इसे छान लेते हैं जिससे कि पुदीने की डंडियाँ आदि कुछ हो तो अलग हो जाए और हमें एकदम अच्छा सा जूस मिले। अब इसे दबा कर अच्छे से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जूस तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए ग्लास में पहले आइस क्यूब डालते हैं और अब इसके ऊपर डालेंगे गुड़ का जो हमने शरबत तैयार किया है। तो आप चाहे तो इसमें ऊपर से चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पुदीने की पत्तियां, नींबू आदि से इसे सजा सकते हैं। तो ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर हमारा गुड़ का शरबत यानी कि गन्ने का जूस तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारा आने वाला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।